How to fix Facebook camera option not working or not showing problem. तो दोस्तों यदि आपके Facebook पे जो है कैमरा आपको शो नहीं हो रहा है या फिर कैमरा आपका काम नहीं कर रहा है, चाहे किसी भी रिगार्डिंग आपका काम करने का कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कैमरा आपका Facebook का काम नहीं कर रहा है, तो कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बनी रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है और आपको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करने का कम से कम चार सोल्यूशन बताऊँगा। लोग तो सिर्फ आपको एक ही सोल्यूशन देता है यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको चार सोल्यूशन दूंगा। एक ना एक सोल्यूशन तो काम कर ही जाओगे और वीडियो के अंत पर आप भी कहोगे थैंक यू कमेंट पर लिख कर, ठीक है? तो वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में किसी का कुछ नहीं जाता, इसमें किसी का कुछ घाटा नहीं है और किसी का कुछ नहीं जाता है। सिर्फ एक लाइक करने से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो में आगे और भी बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर द फर्स्ट थिंग। ओके, माफ़ कर देना, मैं गलती से इंग्लिश बोलने लग गया था, कभी कभी जो है जज्बात में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं हम। सबसे पहले फेसबुक को आपको अपडेट कर लेना है। देखिए दोस्तों, फेसबुक को अपडेट कर लेना है क्योंकि दोस्तों फेसबुक में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, तो इसीलिए यदि आप अपडेट नहीं करते तो नए फीचर्स वगैरह, नया आपका जो भी फीचर्स वगैरह है और नए ऑप्शंस वगैरह कभी कभी शो नहीं होता है, तो आपको अपडेट कर लेना। सबसे पहले अपडेट करने के बाद में जाके चेक कर लीजिएगा आपका ऑप्शन शो होता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। तो यदि फिर भी आपका काम नहीं करता है, शो नहीं होता है, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं आपको अभी और भी दूसरा सेटिंग्स बताऊंगा। अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट में आपको सिंपली क्लिक करना है। हो सकता है कि दोस्तों आपके मोबाइल में आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से शो करे या फिर एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से शो करे या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे फेसबुक ढूंढना है। फेसबुक यहाँ पे नीचे पे आ चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टोरेज यूसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको डाटा, क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी क्लियर डाटा में क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपको क्लियर कर लेना है। ये क्लियर करने के बाद में आप फेसबुक से लॉग आउट हो जाओगे एंड देन यू हैव टू री लॉग इन एंड देन चेक वेदर योर ऑप्शन इज शोइंग और नॉट। ओके, जज्बात में फिर से इंग्लिश बोल गया, माफ़ करना। एक बार ये करने के बाद में आप परमिशन पे एक बार आके सारा परमिशन अलाउ करके फेसबुक खोलिए, लॉग इन कीजिए, आपका फीचर काम करता है कि नहीं, शो होता है कि नहीं, डेफिनेटली काम कर जाना चाहिए। बाई एनी चांस ये सेकेंड ऑप्शन भी यूज़ करके आपका काम नहीं कर रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, और भी हमारे पास उपाय है। आपको सेटिंग्स पे जाना है और आपको यहाँ पे ढूंढना है सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर अबाउट फ़ोन। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर पे अपडेट आया है कि नहीं। अभी क्या होता है कि दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वर्जन अपडेट आया है, आप अपडेट नहीं करते हो, तब क्या होता है कि आपका पुराना एंड्रॉयड वर्जन और फेसबुक जो है दोनों कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है दोस्तों, फेसबुक क्या करता है कि नया एंड्रॉयड वर्जन निकल गया तो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह भी वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो भी अपडेट करते हैं अपना एप्लीकेशंस को। इसीलिए कभी कभी हमारे मोबाइल में जो है फेसबुक में ऑप्शन शो नहीं होता है, कभी क्या शो नहीं होता है, कभी इरर आता है, कभी बग्स आते हैं, तो इसीलिए कंफर्टेबल नहीं होता है ना दोनों। इसीलिए आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल कर लीजिए। फेसबुक भी आपको अपडेट करना है, ये भी अपडेट करना है। ये करने के बाद में दोस्तों आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। और यदि दोस्तों यहाँ पर देखिए, थर्ड ऑप्शन था लेकिन मैंने आपको ये वैसे तो ये फोर्थ ऑप्शन था सॉफ्टवेयर अपडेट का, थर्ड ऑप्शन था एक्चुअली प्ले स्टोर में जाके फेसबुक को एक बार अनइंस्टॉल करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली थर्ड ऑप्शन था, तो फोर्थ ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ये करने के बाद में डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मुझे कमेंट पर थैंक यू ज़रूर कहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।